भाई बिग बॉस का घर यानी खुलासों का घर यार, क्योंकि ईशा मालविया ने कर दिया है अंकिता लोखंडे और विकी जैन के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा। क्या है वो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन करिए उससे पहले टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एवरीवन, बिकॉज आई एम एंकर यश इज हियर टू गिव यू डोज ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली ऑन टैली चैट। दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि भी ईशा मालविया फिलहाल एक बहस के अंदर उतरी थी विद विकी जैन, और इसी बात को वो कह रही है मन्नारा चोपड़ा और सना रही इसको। दोस्तों वो कहती है कि जब मैं विकी के साथ एक बहस के ऊपर उतरी थी तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको किस्मत के ऊपर भरोसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे मुझे किस्मत के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल नहीं है। तब ईशा ने उन्हें पूछा तो फिर क्या लगता है आपको अंकिता लोखंडे कैसे मिली आपको, क्या आपको लगता है कि बचपन से आप श्योर थे कि मैं इसी के साथ शादी करने वाला हूँ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब का खुलासा करते हुए वो बोली कि यार मैं उनका आंसर सुनकर शॉक रह गई बॉस। कैसे? उन्होंने बताया कि ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है भाई, ये भरोसा नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मतलब केस ये है बॉस कि मंदारा ने फिर कहा कि मतलब ये बंदा जो है वो पहले से सेलिब्रिटी वाइफ ढूंढ रहा था, तो ही वॉज लाइक नो। उन्होंने बताया कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट इसीलिए है क्योंकि मैं जब मुंबई के अंदर आया था तब मैंने दोस्त बनाने शुरू किए थे, अंकिता वॉज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, लेटर ऑन हमने डेट करना शुरू किया, हमने बातचीत शुरू की, रिलेशनशिप शुरू की एंड देन ऑन हमने शादी की। मतलब ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है, और तभी मंदारा चोपड़ा ने इस बात को कहा था कि वो इसीलिए सेलिब्रिटी वाइफ ढूंढ रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दे कि भी ईशा मालविया ने ये चीज कही कि ये मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, बिकॉज ही डीड सेम विद दी ओरी, जब ओरी घर के अंदर आए थे तब ही वॉज नॉट नोइंग विद हिम स्टिल ट्राई टू इन्फ्लुएंस, और ऐसी वजह से वो बहुत सेफ खेल रहे थे, इसकी वजह से पता चलता है कि एवरी वन इज जस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर हिम। शायद फीलिंग नहीं जस्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया है शादी को विकी जैन ने। आपको क्या लगता है, ये शादी फीलिंग वाली है कि इन्वेस्टमेंट वाली है? आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मीनवाइल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और शॉकिंग लगा हो तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। मीनवाइल बने रहिए मेरे यानी कि एंकर यश के साथ ओनली ऑन टैली चैट। स्टे ट्यून्ड।